सेकंड ईयर, ठीक है। अच्छा आज हम देखेंगे जी लेक्चर नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर 2 प्रोज का। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया चैप्टर नंबर 1, और इसी तरह आज हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। आपके प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका टाइटल आपके सामने है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसके राइटर 2 हैं, एक है डैरिल बर्नार्ड और दूसरा है लॉरी ब्रिट। ये दोनों बेसिकली कौन थे? डॉक्टर थे, ब्रिटिश के हैं। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रिटिश अमेरिकन से ही रिलेट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे ये जो डॉक्टर है ये है डैरिल बर्नार्ड और लॉरी ब्रिट। इनके राइटिंग पीसेज हमें बहुत कम मिलते हैं, कम से मुराद ये ऑब्वियसली डॉक्टर है, इनका फील्ड अलग है, लेकिन जिन चीजों के ऊपर इन्होंने लिखा उनमें से एक आपका साइंटिफिक मेथड है। इसके अलावा इन्होंने उस टाइम के सोशल इश्यूज भी डिस्कस किए, दैट इज रेलेवेंट फॉर यू। सो आज हम रहेंगे साइंटिफिक मेथड पे ही। पहली बात जो आप इन राइटर्स के बारे में समझ लें, जिससे आपको ये पॉइंट्स कवर करने में, इनको अंडरस्टैंड करने में, चैप्टर को रीड करने में आसानी होगी। डैरिल बर्नार्ड एंड लॉरी ब्रिट, एक फिजिशियन था एक डॉक्टर था। इनमें से डैरिल बर्नार्ड फिजिशियन था, लॉरी ब्रिट क्या था? डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था। और इसने साइंटिफिक मेथड के ऊपर, इन्होंने ये जो आप चैप्टर रीड कर रहे हैं ये कोई इनकी बुक में नहीं है, बल्कि आप इसे एक कॉलम कह सकते हैं, आप इसे एक ऐसे कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि उस टाइम जब क्या थी इनोवेशन ऑफ द साइंस थी, जब साइंस का आगाज था, जब साइंस अभी डिफरेंट फील्ड्स में आके अपने कारनों में कर रही थी, जब साइंस ने आके डिफरेंट फील्ड को समराइज किया, उन्हें स्ट्रेंथन किया। मतलब कि अगर कोई बहुत बोसीदा हालत है किसी कमरे की, किसी इमारत की, तो उसके बाद जब आप वहां पे आके, आपको पता है कि मिस्त्री लगते हैं उसको ठीक करते हैं, इसी तरह जब साइंस ने आके लोगों की जिंदगियों को चेंज करना शुरू किया, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना शुरू किया, उस टाइम उन्होंने ये महसूस किया कि हम साइंटिफिक मेथड को के ऊपर एक ऐसे एक कॉलम लिखें जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन जो उस एरिया के लोग थे उनको पता चल जाए कि साइंटिफिक मेथड से हम कौन कौन सी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी बीमारियों से, कौन कौन से इसके अलावा कंडीशन हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड बहुत ईजी चैप्टर है आपकी इस बुक का। इसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड है, इसकी वर्डिंग को इतनी ज्यादा टफ नहीं है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी इस चैप्टर की, लेकिन इस साइंस को मद्देनजर रखते हुए अभी आपने बड़े कारनामे करने हैं, सो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से। और इसके जो सिनोनिम्स हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके तरफ जाने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि इस चैप्टर के थीम को आप समझ लें, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अथर आपको मैंने बता दिया, डैरिल बर्नार्ड एंड लॉरी ब्रिट डॉक्टर्स थे, इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड के ऊपर लिखा। फिर दूसरी बात ये कि बेटर थीम ऑफ द लेसन क्या है, थीम ऑफ द लेसन ये है कि इस टैग से ही, इस चैप्टर के नेम से ही आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करना, साइंसी तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बेटर सैनिटरी कंडीशन, मोर फूड एंड बेटर फूड, बेटर एटीट्यूड, ये चार पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राइटर इस चैप्टर में ये लिखता है कि जो पास्ट था, जो माजी था, उसमें इंसानियत को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। मतलब इंसान को अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए काफी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको कंपैरिजन मिलेगा पास्ट का और प्रेजेंट का, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में उसमें क्या बेहतरी आई, पास्ट में जो बीमारियां थी प्रेजेंट में वो कैसे दूर हुई, पास्ट में जो कंडीशन थी लाइफस्टाइल बेहतर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, लोग पैदल जाते थे, आज एयरप्लेन है, आज आपको ट्रेन मिल जाती है जिससे आपका जो टाइम है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो भी कम है, और आप बहुत जल्दी अपना जो काम है, अपनी जो डेस्टिनेशन उसके ऊपर पहुंच के काम करके ऐसे आ जाते हैं। इसी तरह से उसने, जब हम पहले जमाने को देखते हैं तो अपने घर में अपनी बड़ी दादी या अम्मी से जरूर पूछिएगा कि कुछ अरसा पहले जब साइंस इतनी नहीं थी तो हम गोश्त को कैसे महफूज करते थे, हम गोश्त को नमक लगा के उसको क्या करते थे कि थोड़ा सा बॉयल करके तारों के साथ लिपेट के हम बाहर हवा में लटका देते थे ताकि वो खुश्क हो, उसका पानी सारा ड्रेन हो जाए, और वो हमारे लिए क्या होता था, फिर सेव होता था 2-3 मंथ के लिए। इसी तरह जब वो अचार डालती थी तो अचार डालने का एक अलग से तरीका था। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर नहीं था तो खुराक बहुत खराब होती थी, ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में एक पॉइंट के अंदर डिस्कस हुई है, डैट इज मोर फूड एंड बेटर फूड। फिर हम जाते हैं
बेटर सैनिटरी कंडीशन की तरफ। सैनिटरी कंडीशन, उस टाइम आउटडोर टॉयलेट थे, बीमारियां बहुत थी जैसे कि स्कारलेट फीवर है, डिप्थेरिया है, इसके अलावा टाइफाइड है, डायरिया है, वट एवर सो ऑन। उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह एक बेटर, इसके अलावा उसने बात की है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज में, इसी तरह बहुत सारी और बीमारियों की जो आप पढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। यही इसका थीम है। इसका थीम में पास्ट और प्रेजेंट का हमें कंपैरिजन मिलता है। इसके अलावा हमें प्रेजेंट जो हमारे टाइम है उसके अंदर साइंस की यूटिलाइजेशन, उसकी एप्लीकेशन मिलती है, उसने हमारे लाइफस्टाइल को कैसे तब्दील किया। ये रहा इस चैप्टर का थीम। अब हम आते हैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। इस पॉइंट में राइडर जो बात करना चाह रहा है वो ये बात कर रहा है कि बीमारियां तो थी, आज भी हैं, जैसे कि आजकल एक वबाई मर्ज से हम सारे दो चार हैं, अल्लाह हम सबको बचाए, लेकिन स्टूडेंट्स कोरोना का इलाज भी हम लोगों ने अभी इंशाल्लाह डिस्कवर करना है। और ये साइंस के ऊपर ही फोकस करके जो हमारे साइंटिस्ट हैं वही इसके ऊपर फोकस करके, इसके ऊपर काम करके इंशाल्लाह इसका हल निकालेंगे। लेकिन इस तरह की जो और बीमारियां जैसे कि कैंसर है, एड्स है, ये तो बहुत जानलेवा बीमारियां, बड़ी सीरियस बीमारियां हैं। वो कहते हैं कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज के क्वेश्चन में हमारी साइंस का इतना बड़ा रोल है कि इंसानियत को बचाया इस इंप्रूवमेंट ने, इस इनोवेशन ने। उसने ये कहा, राइटर ये कहते हैं कि पहले पहल जो लोग थे वो 30 ईयर उनकी एवरेज एज होती थी। मतलब कि पहली बात तो यह है कि जो छोटे बच्चे थे, न्यू बॉर्न बेबी थे, वो एक दो दिन में अपनी पहली बर्थडे से पहले, मीन टू से कि एक साल से, एक साल के अरसे के अंदर अंदर चले जाते थे, मर जाते थे। लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब से साइंस आई है तो क्या हुआ, लोगों का जो पीरियड ऑफ टाइम है, लोगों की जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो एक्सटेंड हुई, ठीक है, मीन टू से कि वो डबल हो गई। फिर वो एक लाइन में ये भी कहता है कि जैसे अगर एक हल्दी में अगर जीता था 30 साल तो वो अब डबल हो गई है ड्यू टू द साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज। वो ये कहते हैं कि डबल हो गई है, अब वो 30 को डबल करके 60+ एज वो क्या करता है, यहाँ पे गुजार जाता है। इसीलिए वो ये कहता है कि अगर इंसानियत को बचाने के लिए साइंस ना होती तो ऑब्वियसली आज इंसानियत लोगों ने इतनी तरक्की ना की होती, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ना होती ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें वो कहता है कि जो बीमारियां हैं वो बचाई हैं, बीमारियों से हमें बचाया है किसने, साइंटिफिक मेथड ने, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज में वो ये बात करता है। वो उसमें वहां पे आप जब चैप्टर खोल के देखेंगे आपको उसमें मिलेगा कि बहुत सारी बीमारियों का उसने जिक्र किया हुआ है। फिर उन बीमारियों को उसने ये कहा है कि ये साइंस के यूज से, मेडिसिन जो यूज करते हैं बीमारियों के ऊपर, उनके आने के बाद मेडिकल फील्ड की इम्प्रूवमेंट के बाद, मेडिकल फील्ड की फ्लॉरिशमेंट के बाद हमें ये मिलता है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिलता है। और इसी वजह से वो उसने इस टॉपिक का या इस पॉइंट का नाम रखा बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज दैट हैज बीन अचीव्ड बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट पॉइंट इज अ बेटर सैनिटरी कंडीशन। अब सैनिटरी कंडीशन में पानी का जो क्या है, उसका जो इंतजाम है गंदे पानी को ठिकाने लगाने का, इसके अलावा आपको पता है कि आजकल तो साफ पानी में भी, पानी के ऊपर भी आपको पता है कि डेंगू पैदा हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं। तो सैनिटरी कंडीशन जहां पे भी पूर होंगी, जिस एरिया में भी पूर होंगे, ऑब्वियसली वहां पे बीमारियां ज्यादा होती हैं। जैसे कि अगर हम कराची को देख लें, वहां पे डिफरेंट एरिया जैसे कि ठट्टा है, वहां पे एक लियारी आई थिंक इस तरह का नाम है, तो ऐसे जो बहुत सारी जगह है जहां पे अभी तक पूर सैनिटरी कंडीशन है, बीमारियां ज्यादा है, ठीक है। तो वो इस पॉइंट के अंदर राइटर जो है वो ये डिस्कस कर रहा है बेटर सैनिटरी कंडीशन में कि साइंस के बाद, साइंस की इनोवेशंस के बाद, साइंस की तरक्की के बाद हमें क्या मिलता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने का वे मिलता है। वो ये कहता है कि पहले पहल आउटडोर टॉयलेट्स होते थे, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती थी उनसे। और इसके अलावा वो ये कहता है कि जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, इसके अलावा जो मार्केट्स थी अनपेव्ड थी, अनपेव्ड से मुराद ये कि उनके कच्चे रास्ते थे, वहां पे पानी खड़ा होता था, डस्ट होती थी, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि जो इंसान की सेहत के ऊपर असर करती थी, वो बीमार होता था।
अब उसने ये कहा प्रेजेंट वे में या प्रेजेंट सेंस में उसने ये बात की कि जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम है इसमें हमें पेव्ड स्ट्रीट्स मिलती हैं, वेल सीमेंटेड हमें पाथ्स मिलते हैं, वेल सीमेंटेड हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं, इसके अलावा हमें बहुत सारी ये जो बात की हुई इसमें कंट्रोल ऑफ डिजीज में हमें मेडिसिन फील्ड में बहुत सारे एंटीसाइड्स मिलते हैं, इसके अलावा हमें बहुत सारे जर्म किलर मिलते हैं। तो ये जो इनोवेशन ऑफ साइंस है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस है, ये जो फैसिलिटी हमें साइंस दे रही है, इसकी वजह से डिजीज भी कंट्रोल हुई और हमारा जो सैनिटरी कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई। जैसे कि पाइप्स लग गए बहुत सारी जगहों पे, मतलब अब हम आउटडोर टॉयलेट्स बिल्कुल भी नहीं है, सफाई है हर जगह पे, वेल पेव्ड हमें स्ट्रीट्स मिलती हैं, हमें वेज मिलते हैं। तो ये जो जितनी सारी चीजें हैं ये किसकी वजह से इम्प्रूव हुई है? बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इन आवर लाइफस्टाइल। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो गए, सॉल्व आउट हो गए। फिर हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट में मोर फूड एंड बेटर फूड। पहले अगर आम का सीजन गर्मियों में है तो पूरा एक सीजन घूमने के बाद, मतलब कि अगर मई जून में हमें आम मिलते हैं तो उसके बाद भी आजकल भी हमें मई जून में आम मिलेंगे। मतलब पहले ये था कि जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती थी वो हमें उसी सीजन में मिलती थी, ठीक है। लेकिन मोर फूड का, बेटर फूड एंड मोर फूड का क्या मतलब है? मोर फूड से मुराद ये है कि अब जो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसी तरह से हमें क्या करना है, फूड की जो प्रोडक्शन है उसको कंजप्शन लेवल के साथ मैच करना है। मतलब कि हमें उस उतनी फूड जरूर प्रोड्यूस करनी है कि जितने हम लोग खाने वाले हैं, जितनी हमारी कंजप्शन है, जितना हम लोग खर्च करते हैं। इसीलिए जब पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंक्रीज हुई तो उसके साथ साथ हमें अपने वेज को भी इंक्रीज करना पड़ा, हमें प्रोडक्शन लेवल को भी बेहतर करना पड़ा। तो साइंस ने हमें फर्टिलाइजर दिए, साइंस ने हमें वो मशीनरी दी, साइंस ने हमें प्रिजर्वेशन के मेयर्स दिए। प्रिजर्वेशन मेयर्स मुराद के जैसे कि पिकलिंग, ड्राइंग, इसके अलावा क्या था, फ्रीजिंग है, ऐसे बहुत सारे जितने भी फूड को प्रिजर्व करने के जो तरीके हैं वो हमें साइंटिफिक मेथड ने दिए। जैसे कि पहले हम लोग अगर अचार डालते थे एक हफ्ते के अंदर वो खराब हो जाता था, लेकिन आज फ्रीजर है, हम उस अचार को जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो जब तक हम यूज करते हैं वो खराब नहीं होता। इसी तरह से जो गोश्त को बचाने के तरीके थे, वो प्रिजर्व करने के तरीके थे, मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि नमक लगा के उन्हें रख दिया जाता था या बॉयल करके वो लगा रख दिया जाता था गोश्त को, आज सिर्फ और सिर्फ उसको हमने फ्रीजर में रखना है और वो उसका कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वो खराब नहीं होता जब तक हम उसे यूज करते। तो ऐसे बहुत सारे जो मेयर्स हैं वो हमें किसने दिए, साइंस ने दिए। हमारे फूड के जितने मसाइल हल किए वो साइंस ने किए। पहले पहल जो औरतें थी यहाँ पे आपके इस पैराग्राफ में, ये कौन सा मोर फूड एंड बेटर फूड की पैराग्राफ में आपको जो ये पैराग्राफ मिलता है इसमें थ्रिफ्टी वुमेन्स का भी जिक्र है। मतलब कि जो घरेलू खातून ख्वातीन होती थी वो किस तरीके से ये चीजों को स्टोर करती थी, उनके लिए अब इजी वे आ गया, उनके लिए अब क्या हो गया, ईजनेस आ गई, आसानी हो गई उनके लिए। वो इस तरह से आसानी हो गई कि अब उन्हें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती खुराक को सेव करने के लिए, और अब बहुत सारे जो तरीके हैं वो क्या हो गए, इम्प्रूव हो गए। तो इस पॉइंट में उसने क्लियर किया है मोर फूड एंड बेटर फूड को। लास्ट पे बेटर एटीट्यूड की बात की गई है, लास्ट जो इसका पॉइंट है इस चैप्टर का, बेटर एटीट्यूड, उसमें हमारी थॉट्स, हमारे एक्ट्स, इनको फोकस करके डैरिल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड ये कहते हैं, आपके राइटर ये कहते हैं कि हमारी जो सोच है उसका एंगल चेंज किया साइंस ने। पहले हम क्या करते थे कि काली बिल्ली गुजर गई, हमारी दादी नानी ये कहती थी कि अगर आपके रास्ते से काली बिल्ली गुजर गई है तो आपको वो काम नहीं करना बल्कि लौट के घर आना है। इसी तरीके से जब हम इंडियन कल्चर को या इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, इंडियन कैलेंडर को देखते हैं, तो वो अभी तक कॉम्प्लेक्स में है, वो अभी तक फियर में है, उनका जो खौफ है वो अभी तक उसी तरह से है कि नंबर 13 हमारे लिए अनलकी है। आज भी उनकी पार्लियामेंट में ये बात की जाती है कि नंबर 13 बस काम के लिए नहीं है, हमने कोई उसमें कोई भी हमने एक्टिविटी नहीं करनी। इस तरह से अगर किसी लड़की के हाथ से शीशा गिर जाए तो वहां पे भी हमारे जो बड़े थे, दादा दादी, नाना नानी, वो क्या करते थे, कोई ना कोई उन्होंने उनके उसके साथ एक इंसिडेंट, एक कोई एक्ट क्या किया होता था, रिलेट किया होता था। बेटर एटीट्यूड के पॉइंट में राइटर ने यह कहा कि साइंस के आने के बाद जो सोसाइटी है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इमेजिनेशन से निकलकर, वो ख्वाबों की दुनिया से निकलकर,
इस तरह उल्ट पटांग जो हम सोचते थे पहले कि बिल्ली गुजर गई तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे उन ख्यालात से, उन गलत नजरियात से निकलकर अब हम प्रैक्टिकल हो गए। अब हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसे परख के करते हैं, ठीक है। कोई भी हम अगर बिल्ली, काली बिल्ली हजार बार रास्ता काटे, हमने अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो जाना है। ये किसकी वजह से, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आया, इट इज टोटली ड्यू टू द साइंटिफिक मेथड। साइंस आई, हम प्रैक्टिकल हुए, साइंस ने हमें लॉजिक्स दी, साइंस ने हमें आके क्या किया, तब्दील किया। उसने कहा कि हर एक बात के पीछे एक साउंड हैपनिंग है, जो भी अगर हम कोई काम करते हैं उसके करने की कोई रीजंस हैं, कोई फोर्सेस हैं। जैसे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजों के पीछे